तू करेगा? आप पीजिए सर। कुछ नहीं, मैं पिला देता हूँ सर। सर मैंने ये आपके लिए लाया था सर। आ रहा हुआ बूंदा, आ रहा हुआ बूंदा, आ रहा हुआ सर। जी खोलो सर, आप पी लीजिए सर। दादा नीचे कर मुंडी, ऊपर कर, धीमे कर बाहर। खींच 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 अंदर खींच। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब होगो टेस्ट। अब सुन, जो बता तू हमारे लाने जो कल समोसा ले आओ तो ना, चार ठैया हुए, एक ठैया कारो कारो है। तू हमने पूछी जब तो से कि जो कारो कारो दाग काय को है, तो तूने का कही कि जो इकलौतो समोसो कड़ैया में देर तक पक गओ। अब तू सच बता कैसे, जो तो हमें भी पता है कि अगर सारे कारे होते तो तेरी बात में दम आतो, बाकी सब गोरे गोरे, एक ठैया कारो कारो, ये तो कल अपड़ा है, वो दाग काय को हतो कीचड़ का। एक्चुअली सर वो काला दाग तले हुए समोसे का नहीं था, वो कीचड़ था। मैंने उसे पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया सर। मैं चाहता था कि मैं इसे कर सकता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि आप कीचड़ खाए सर, और मैंने वैसा ही किया। दो बूंद में सब बोल दो तूने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यार अब हमें कछु ऐसी चीज खुशबूदार आइटम बता। कछु सुंगा कछु कर, हमें मिचली सी आ रही, कीचड़ करा दो तूने। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं सच ना बोल पाऊँ, ना बोल पाऊँ, लेकिन मैंने सच ही बोल दिया सर। हमें कछु सुंगा। I'm sorry sir. Actually सर ये जो सीरम है ना सर, ये फ्लेवर वाला सीरम है सर, इसे आप हल्का सा सूंघ लीजिए तो आपका जी मचलना ठीक हो जाएगा। ये लीजिए सर, लीजिए, आपको अच्छा लगेगा सर। तो अरे ठीक है बच्चा, एक बात बताओ, छोटी उम्र को जब हो तो इंसान बच्चा का तो बच्चा शैतानी नहीं करेगा और क्या करेगा? और तू ज्ञान न पेल हमें। लो आ गई महारानी लज्जाबाई। गुड मॉर्निंग ग्रैंड मदर एंड फादर्स। एक कटोरी। ग्रैंडमा मीश केट। कटोरी नाम है गो तेरो, और याद रख आज के बाद से तू इंग्लिश ना बोलेगी। What? हिंदी में बात कर। जी दादी। गुड गर्ल। She's speaking English. ठीक है, हम जरा पान चबाते हैं। पत्ते ले आओ ना तू फिरेस। What happening to grandmother father? हाँ, रुको रुको मैं बता रही। बात यो से है कि मतलब दाद दिन है ना, वो ट्रुथ सीरम पी लिया जो बापू लाया था रात को खीर में मिला के। तो अब बस सबके बारे में सच सच उगलेंगी दादी। Oh my God. ओह अब समझ आया। हाँ अब पता चला क्या मासूम बच्चों को दादी इतना क्यों छील रही थी। मासूम मेरी तो कितनी ज्यादा बेइज्जती कर दी। हाँ अरे हमने जाय के लाने फोन करो यार, तुम्हारी लौंडा की शादी कराए भैया दुबे हैं, 10 साल हो गए कचा, अरे तलाक करवा दे तब दोगे 10 लाख की नोचा पर। नहीं कचा ये बहाने ना बना, बहाने ना बना तेरे बहाने। जैन साहब पप्पू सिंह, मैं तो तुम्हारे रोज बहाने सुनता हूँ, तुम किसके बहाने नहीं सुनोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक एक काय के खबरी है तो हमने काय के मुस्तैदी से एक खबरी को अड्डा पे लगाओ तू। अबे काय वो सारे चोरी कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो ना, मतलब हमने की सारे तेरी सर्दी गर्मी निकाल देंगे हम। कड़क ऑफिसर? सिर्फ कड़क चाय पीने से कोई कड़क ऑफिसर नहीं बनता, उसके लिए काम भी कड़क करने पड़ते हैं। वेरी गुड मनोहर, वेरी गुड। इतने दी ना सर को चाय। पप्पू सिंह सुन लिया तुम्हारे बारे में क्या राय है, यहाँ की दरो दीवार को पता है कि तुम क्या चीज हो, और बेवकूफ उसे बनाओ जिसे तुम्हारे बारे में पता न हो, समझे? जी सर। अब काम की बात, हमारे आईजी भट्टी साहब आ रहे हैं कानपुर घूमने के लिए अपने सह परिवार के साथ है? और मैंने तुम्हारा घर रेकमेंड किया है। नहीं नहीं घबराओ नहीं, वो उन्होंने 5-स्टार होटल बुक किया है, रात में वो वहां रुकेंगे, सिर्फ दिन में तुम्हारे घर पर रुकेंगे, तुमको दिन में उनकी खातिरदारी करनी है बस। नहीं हम जो कह रहे आप अपने घर पे काई नहीं ठहरा रहे, आप सीनियर हो हम जूनियर आदमी, पहले तो आपको हक बनते हुए ना उनकी सेवा करना।
मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मैं बीमार हूँ और इतना बीमार हूँ कि खुद उठ के एक पानी का गिलास तक नहीं ले सकता। जब मैं अपनी खातिरदारी नहीं कर सकता हूँ तो उनकी क्या मैं खाक करूँगा। देखिए सर, सरकारी क्वार्टर तो होते ठहरा दी। हाँ होते हैं, लेकिन सरकारी क्वार्टर में क्या है, पुलिस महकमा नहीं होता ना। और दूसरी बात ये है कि ऐसे फैमिली गैदरिंग में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन सर दिक्कत जाहिर जो भी घर पे नहीं है, मैंने एक मन्नत मांगी थी वह पूरी हो गई तो वह खुशी में केदारनाथ चली गई। ये तो और भी अच्छी बात है। राजेश से कहो कि हमारे लिए प्रार्थना करे। राजेश की प्रार्थना और तुम्हारे ग्राउंड मेहनत, सीधा हम सब की प्रमोशन। समझे? जी सर। अरे जोर से बोलो यार। जय माता दी। जी सर। सीखो। जी सर। कुछ हवलदार से सीखो। यस सर। The choice is your promotion या promotion suspension बोलने ही नहीं दिया। आपने चाय भी नहीं पी सर, ठंडी हो गई। मैं मायके जा रही हूँ बस। अरे यार तू ऐसे डब्बा अब्बा फेंक रहे हो, कितने जतन करके हमने तेरी शादी कराई जैसे। अच्छा एक सेकंड, तुम तनक शांत हो जाओ, गुस्सा कम करो, कम करो। क्या कम करूं? अरे आता है गुस्सा, आज ज्यादा बड़ा करें। अच्छा ठीक है, गुस्सा आना चाहिए तुम पे, जम तो है गुस्सा, लेकिन अब इतना कम करो कैसे, हमें तुमसे जरूरी काम है। दादा क्या है बोलो। काम कछु है, खास नहीं है। असल में कहा है कि आई जी साहब पधार रहे घरे, तो अब घरे आएंगे तो यार तना खाना पीना चाय पानी करने पड़ेगी ना, तुम्हें तो पता ही है राजी से नहीं है। अरे तो बोल दो ना जीजू कि रज्जो केदारनाथ गई, उसमें क्या है। बोल तो दें, लेकिन हमने तो ऐसो समा बांधू ना कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे हैं, आप आइए, आपको स्वागत है। अब का है कि अचानक से ना मिली तो बाकू बरू लग जाएगा। जी सारे सरकारी अफसर हैं जी दिल पे ले लेते हैं कि यार हमें बीबी के साथ निमंत्रित कर रहे हो, खुद की बीबी लापता, फिर वो का ठेस पहुंच जाती है ना उन्हें। तो ऐसे टाइम पे हम सोच रहे 2 मिनट के लाने यही कह देंगे कि अपन भी मिले सही राजेश से। अरे अरे ऐसे बोल देंगे, मतलब एक बार खा पी के गौ फिर का लेने देने, समझ रहा हूँ ना। तनक देर की लाने जाको राजेश बना दी, मतलब हमारे घर पे, समझ रहा हूँ ना। हम क्या बोले यार, इसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी, इसको करना तो करे, ना करना है ना करो, भाड़ में जाए। अरे यार इतनू का ही तमतम आ रो, तू को थोड़ी राजेश बना दे। हाँ तो ठीक है ना, इससे पूछो। बातों हाँ कर रही, इनसे बात ही मत करो जीजू। बाकी तो आंखन में सच्चा। मत करो, रज्जो बनना है ना, बनूंगी। वैसे भी इस आदमी के साथ रह रहे के मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे भी ब्रेक चाहिए। एक्टिंग करूंगी अच्छा तो मन लगा रहेगा मेरा। ब्रेक चाहिए। समझ में आ गया? यस मैम, सब समझ गया, सब क्लियर हो गया, डन। मैम बोलो। हाँ मैं ये बोल रही थी कि मम्मी केदारनाथ क्यों गई है। वो इसलिए चमची थी कि मम्मी ने ना मन्नत मांगी थी कि अगर नानू ठीक हो गए तो केदारनाथ जाएंगे। अब वो गए ठीक तो जाना तो पड़ेगा। Yes, wow. Mother shooting going to Kedarnath. Very nice. तो अब ना मौसी को मम्मी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ तो बामे कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। वैसे आई जी साहब आ रहे हैं और उनकी फैमिली आ रही, तो उनके लिए एक बटलर की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ तुम सब में से कौन बनेगा बटलर? चुप। जी, जी कमलेश भैया, कमलेश भैया। तू ठीक तो है यार, कैसी बात कर रहा है? तबीयत पानी ठीक है तेरी? मैं नहीं बनूंगा बटलर पटलर। नहीं नहीं नहीं, आइडिया तो एकदम मस्त है। नहीं कोई मस्त आइडिया नहीं है, मैं बटलर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ। देख ले केट दीदी, मतलब यो क्या बात हुई कमलेश, पूरा दिन इसी घर में पड़ा रहे, तू यही खावे यही पीवे है और उसके बाद मुसीबत के टाइम पे मैं छोड़ के जा रहा, शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। चुप रह लिया कर कभी कभी। नहीं चुप नहीं, बात तो सुन पूरी पहले, क्या कह रही है वो? चुप बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है, बस कह दिया बात फाइनल होगी, बटलर है कमलेश। ओके मैम बोलो। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि वो जो आईजी वगैरह जो भी है वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए चमची क्योंकि कमिश्नर साहब चाहते हैं कि हम ना मतलब आईजी साहब और उनकी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है। और वैसे भी इसी बात पे डिपेंड करे ना बापू का प्रमोशन, तो उन्हें 5 स्टार नहीं मतलब जितना बढ़िया हो सके ना 7 स्टार ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बहुत बड़े लोग हैं, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा सारी बात का। समझ आ गई सबको? यस मैम। बढ़िया। अरे पहले ये बताओ नीलू की मतलब कैसे, तुम्हारे पतिदेव कैसे? मिस्टर गरम है, गरम है पतिदेव जी।
नहीं हम मतलब आप जो चमोट आप लीजिए तो आप लो 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 जय प्रकाश कहाँ से मंगवाई गरम गरम हाँ बढ़िया एकदम अच्छा सरला सुनो ये है मेरे कॉलेज के बहुत पुराने दोस्त मिस्टर बैनी प्रसाद और बैनी ये है मेरी छोटी बहन सरला क्या ला यो तुम भी ना बैनी बिल्कुल भी नहीं बदले बिल्कुल बदलेंगे भी नहीं कैसे बदल जाए आए आज तक ही बता चुंगूलाल पता है इनका नाम नीलम है ठीक है ना अब इतने बड़े ऑफिसर की बीवी लेकिन कॉलेज टाइम में जो ना हम हमेशा से नीलू 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 बुलाते थे ना क्यों नीलम है नीलू नीलू बुलाते थे आज भी हम नीलू ही बुलाते हैं हमें तो तुम ऐसे ही सारे लतिया तू तो आज बड़ी इज्जत कर लो भाई पुरानी बचपन की दोस्त हैं इतने बड़े ओहदे पे पति दिए हुए हैं इज्जत वैसे भी दूसरी बात है तू तो मेरा ऐसा है मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ हमेशा से और एक अच्छा पुरुष क्यों अच्छा पुरुष वही होता है जो हमेशा महिलाओं की इज्जत करे सिर्फ घर पे नहीं घर के बाहर देश दुनिया सबके महिलाओं की इज्जत करे कि नारी जो है ना देवी स्वरूप होती है हमारा ये मानना है और यहाँ तक देखो राजेश जो है ना इनकी जो धर्मपत्नी है वो हमारी लगती साली एक हिसाब से कहा जाए क्योंकि हम लोग साड़ू भाई हैं लेकिन फिर भी मस्ती मजाक अपनी जगह इज्जत मैं उसको एकदम टॉप लेवल की करता हूँ क्योंकि वो एक महिला है ये मेरा उसूल है ना बढ़िया बढ़िया हाँ हाँ सही कहा बैनी तुमने सरला बैनी है ना शुरू से ही लड़कियों की बहुत इज्जत करता है पता है तुम्हें अच्छा और बैनी ये मेरी बहन है ना बहुत शर्माती है देखो तो जरा हमेशा शर्माती रहती है दिख ही रहा है बात करना चाहती हो हाँ आपका नाम क्या है बैनी जी बेनी जी नाम बता नाम शोले टाइप की बात करें हम अपने आप को बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते हैं इतना बड़ा नाम बेनी जी आपका बड़े लोग बड़े नाम है तकल्लुस है पूरा मतलब डिग्री उग्री मिला के हम बोलते हैं हमारा नाम नहीं पूछेंगे आप जिले पूछेंगे का नाम क्या है सरला जी सरला अरे वाह सरला है बड़ा ही सुरीला नाम तो सुना ही नहीं था पहले कभी और जब आप शर्माती तो गाल एकदम लाल लाल हो जाते हैं अरे ओ दादा ओहो गाल चेक करन गई का क्या बहनी तुम तो ना बड़े शरारती हो देखो तो जरा कैसे मेरी बहन को शर्म से लाल करके भगा दिया चलो अब मैं उसे देख कर आती हूँ देखो लाल लाल ये सब छोड़ बबू क्या क्या बबू जुड़ ज्यादा तू चौधरी ना बन इनके लाल पीले के चक्कर में पता चला को बेमलेश को तो को सारी मार मार कर लाल कर देगी पगला ले क्या कॉलेज की दोस्त है हमारी ऐसी बातचीत मजाक चल रहा ठीक है लेकिन हमाओ इतनो कहनो है सर ज्यादा होल होलाना संभल के रहिए फिर ना कहिए कि समझाओ नहीं है डोकर की जेब से तुमने पैसा मारे थे और नाम तुमने हमाओ लगा दो तू असल में बताओ कौन ने मारे थे ऐसी औलाद पैदा की हमने है कपूत कहीं को अपनी अम्मा के नाम ऐसे ऐसे कर्म लिख रहा हुआ हम इतने सीधे साधे हते हम तो बस जो पैसे मिलते थे भाई से गुजारा करते हते या को मतलब सही जा रही सीरम को असर खत्म हो रहा हूँ अम्मा एक बार और बताओ एक टैया पूछ तुम्हारी चहेती बहू प्रिय बहू रज्जो के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? बड़े उच्च विचार हैंगे। हम तो सोचते हैं कि हमने पिछले जन्म में पता नहीं कहाँ मोती दान दिए थे, जो ऐसी सुंदर सुशील बहू मिली है। हम सोचे हैं कि जाने से पहले ना ये सारे गहने ना बाके नाम कर देंगे। सही जा रही। जी वर तो जी गुइया कबूंग ना देंगी। या को मतलब करेक्ट है। बहुत सही अम्मा। अब हमें लग रहा हमारा प्रमोशन को बाप नहीं रोक पाएगो किन्ने कह रहा है वो तेरी औकात का है सिपाही है तू सिपाही दरोगा कैसे बनो तू जरा बता हमें अरे अम्मा रात दिन मेहनत करी हमने रात दिन एक कर दो ना स्पीड झूठ बोल रहे हो रात दिन एक तो हमने करी 5 लाख इकट्ठा करो और दो तब जाके बनो तू दरोगा जो 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 तुम का कह रही जो असर हो रहा हुआ खत्म के आ रहा हुआ का हो रहा हुआ जो अरे हम क्या करें ऐसा सीरम है कभी आता है कभी जाता है हमारे कंट्रोलों में ना है गो अरे जाको मतलब है आ रहा हुआ और जा रहा हुआ हाँ अरे दादा सत्यानाश हो कौ कौ
नहीं, सीरम को। आओ। छे, छे हो। एक, एक से भी आता है, एक से भी आता है, एक से भी आता है। तुम तीनों को ही खेलना है क्या? अब क्या नाम है? सिक्स। वन क्लियर शॉट। क्या हो गया? मौसी को जाके पूछ, मेरा ये कहाँ रखा है? कच्चा। तूने कच्चा पहना, इसे कच्चा कहते हैं। ट्रैक पैंट पहन जा। मौसी, क्या है? वो पूछ रहे हैं, वो कहाँ है? क्या? ट्रैक पैंट। उनसे जाके बोल, अलमारी के पहले, दूसरे, तीसरे रो में काले कोट के नीचे। अलमारी। सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा राजेश जी। पकड़ के तो दिखाइए। और पकड़ लिया तो? पकड़ी तो सही। अरे सर, जो जो का धर पकड़ चल रही है, चल रहा है। जी मैं तो बस। देखो साहब, जो ऐसी वैसी हरकतें हैं तो बर्दाश्त ना होंगी जो घरे। अरे जीजू, को बाहर दिखोगे को? मेरा बोलने का ये मतलब है कि सरला के जीजू ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, वो तो हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। देखो जी, जो हम जी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। नमस्ते। नमस्ते। मैंने सब सुन लिया है हप्पू जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अरे मेरे पति है ना, बहुत ही शरीफ आदमी है। आपको पता है हप्पू जी, आज तक इन्होंने मुझे नहीं छेड़ा, किसी और को छेड़े ये तो बहुत ही दूर की बात है। हाँ, बस थोड़े से मजाकिया टाइप के आदमी है, और कुछ नहीं। हम कहे असल में एकदम से ना डर गए, हमने कहीं पराई अमानत हमारे पास है। ए, ए, एक मिनट हप्पू जी, अमानत? मैं कुछ समझी नहीं। हमारा मतलब है कि इनके पिताजी गब्बर सिंह बड़े भरोसे के साथ अपनी अमानत हमारे पास सौंपी ना, तो हमारी जिम्मेदारी है ना इनको, मतलब ये तो धरपकड़ चल रही थी। नहीं, बात ठीक है आपकी। जीजू चले? चले, मैं कहाँ जाऊँ? अरे कानपुर से जा रहे हैं आप? अभी कहाँ जी, अभी पूरा कानपुर देखा ही कहाँ है। चलोगे? चलोगे? हाँ जी, चलो जी। चलो ना फिर। अच्छा जी, चलो। अच्छा। चलो चलो सरला। मैं क्या, आते हैं फिर आते हैं। जो आदमी दो दो बुलडोजर लेके घूम रहा हुआ है और फिर भी सारे हुए तो धरपकड़ कर रहा हुआ। जीजू क्या है ये? भैया को ब्याह है सर। तुम कहाँ जी? अप्पू सिंह जी। तो तू यहाँ टावर में क्या कर रहा है भाई? बात कुछ समझ नहीं आई। यस सर, मैं समझाता हूँ आपको। मैं हप्पू सर के घर में ही रहता हूँ, उनके यहीं पर रहता हूँ, उनका काम करता हूँ। आप कुछ लेंगे? कॉफी ले लीजिए। और नहीं चाहिए? आई इंसिस्ट यू सर। एक बार बोला ना नहीं चाहिए, बात समझ में नहीं आती। ओके मैडम, आप कुछ लेंगी? मुझे तो पिल्लई, पनीर खसखस, फटी छाछ, खटिया मंडिया विद स्पाइसी, हिला हुआ जूस, चाय, कॉफी नरम गरम, एनीथिंग एल्स? नो, आई इंसिस्ट यू मैडम। नो थैंक्स। अप्पू सिंह है वो चाहिए। ओए अप्पू सिंह जी। अरे आप फिर मर आए, मतलब फिर आप। अरे सवेरे सवेरे ये तो कैसी। नमस्कार, बैठो बैठो बैठो। नमस्कार। नमस्कार भाई। देखो बात ऐसी है, हमको आपके दोस्त बेनी के बारे में एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ सर। ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू अ ब्यूटीफुल लेडी। भतीजी कैसे हैं आप? अब तक तो ठीक नहीं था, अब आपको देख लिया तो ठीक महसूस कर रहा हूँ। जी मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को आपके दोस्त के बारे में एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए क्या बात है। देखो जी अप्पू सिंह जी, बात ऐसी है कि ये मेरी साली है ना सरला, इसको आपका दोस्त बहुत पसंद आ गया, और हम लोगों को भी कोई एतराज नहीं है, तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि सरला की शादी आपके दोस्त बेनी के साथ हो जाए। क्या कहते हो है जी? सर अब हम का कहें ऐसे बेतुके बेढंगे रिश्ते पे का टिप्पणी दें?
बेढंगा? नहीं मतलब बात को समझ नहीं आई। नहीं वैसो बेढंगो मतलब, अच्छा आप जोड़ी, नहीं जोड़ी ओड़ी से नहीं, हम बेढंगो मतलब आदमी काम को ना काज को, दुश्मना नाच को, कर तो धर तो कछु नहीं है, ना कमातो है ना धमातो। 36 केस आती हैं लेकिन एको नहीं मिलती, एक आध दो मिल गए तो पैसा नहीं मिलते, जीत तो भी नहीं है, हार तो ही रहते है। जो आदमी सर खुद नहीं चल पा रहा हो, वो घर गृहस्थी का गोइया चलाएगो, आप बताओ। अप्पू सिंह जी आपको क्या लगता है मैं खोता हूँ? हैं ढेंचू ढेंचू? नहीं नहीं सर ऐसे नहीं। ओए अप्पू सिंह जी ऐसे थोड़ी भेज दूंगा मैं अपनी साली सरला को, है जी, उसको सारे साजो सामान के साथ जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी होते हैं उन सारे साजो सामान के साथ इस घर में भेजूंगा, है जी। रही बात बेणी की तो उसकी चिंता मत करो, मैं उसको इतने सारे केस दे दूंगा, इतने सारे केस दे दूंगा कि इस जन्म में तो पूरा लड़ भी नहीं पाएगा। Myself, Kamlesh. Hello. Myself, Sarla. Hi, Sarla. How about meeting today? Today meeting you friend sitting in me out. How? हम हिंदी में बात कर सकते हैं? Oh my God. It meaning your hand cramp in English. क्या? लगता है English में आपका हाथ तंग है. नहीं. मुझे दुनिया में दो ही चीजें अच्छी लगती है. एक भिंडी और दूसरी हिंदी. वैसे केट और बच्चे तुम्हारी मैच्योरिटी की बहुत तारीफ कर रहे थे। थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी। अच्छा तो तुम्हें भी लगता है कि तुम बहुत मैच्योर हो? हाँ मैच्योरिटी मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, आप कोई भी सवाल पूछिए फुल मैच्योरिटी के साथ पूरा जवाब दूंगा। अच्छा तो तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है कमलेश? पढ़ना। वाओ मतलब लिटरेचर? लिटरेचर बाद में, बहुत सारी कॉमिक्स की बुक पढ़ी है तो पहले मैं कॉमिक्स की बुक पढ़ना चाहूंगा उसके बाद। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? घूमना। कहाँ घूमना पसंद है तुम्हें? वाटर विद पार्क, वाटर पार्क। अच्छा तो तुम्हें पानी पसंद है? आई लव वाटर, मुझे पानी पसंद है सिर्फ पीने में, बाकी वाटर पार्क तो मैं सिर्फ लोग को धक्का दे के भाग जाता हूँ इसलिए वाटर पार्क जाता हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है, तुम क्या बनना चाहते हो? मेरे पापा तो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे पर मेरी दिली तमन्ना है मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। अच्छा तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है? हाँ फिजिक्स स्ट्रांग है लेकिन अभी थोड़ी कम है, धीरे धीरे और अच्छी बन जाएंगी। 6 पैक्स पूरे आ चुके हैं, थोड़े थोड़े बिस्किट से दिखने लगे, ऑन द वे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। मैं फिजिक नहीं फिजिक्स की बात कर रही हूँ, तुम क्या हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हिंदी में बात कर रहा हूँ ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बट क्या कर सकते इन इंग्लिश योर हैंड क्रैम्प्ड। शट अप, तुम 24 के होके 14 वाली हरकतें कर रहे हो, दोबारा मुंह खोलो ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी इडियट। सरला जी, सरला जी। अम्मा ये भट्टी परिवार ने तो लंका लगा दी, बताओ कैसे निपटें जब मुसीबत से। अब अम्मा याद आ रही है, गड्ढा खोदने से पहले काहे ना पूछो, हम 10 उपाय बता देते। कमलेश, कमलेश, you know, disappointing me. यही तो है, ओ मुका बना रही, यही है जिन्हें लंका लगाई के सारे ने। अरे ओ ठहर जा, बस करो बस करो। कोते क्या कर रहा तू है, जेसी के साथ डांस कर रहा है, शर्म नहीं आती, बदतमीजी करता है। ओए अप्पू जी कैसे आदमी हो यार, आपकी बीवी के साथ कोई और आदमी डांस कर रहा है, आप साथ बैठे हो है? देखो हमने
आपने देखो हमसे देखो नहीं जा रहा हो, बता तू छछोरपंथी पे इतना होता रहा हो, अपनी दोस्त की बीवी के साथ में नाच रहो, कैसे नाच रहो? कैसे वो जरा म्यूजिक ऑन करना। ओके। अरे मत कर। जी के साथ डांस करते और शर्म नहीं आती? मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, यो हाल कर दूंगा, अपनी बीवी के साथ भी डांस नहीं कर पाएगा कभी। ओए अप्पू जी आप भी कुछ बोलो यार। इतनी सारी धी की लट, तू को शर्म नहीं आ रही है? अपने दोस्त की पीठ पे छोरा मोक रहा है, दोस्त की बीबी मतलब भाभी समान माँ समान होती है, और चमक चमक के सारे वही के संगे कमर में हाथ डाल के नाच रहे हो? ऐसी लीचड़, ऐसी लीचड़, ऐसी की शादी सरला के साथ नहीं होने देंगे, हम जान दे देंगे। ओ सर जी आप बताओ, आपने सब देखो ना अपनी आंखन, फिर भी आप ऐसी मतलब सरला की शादी करोगे या राक्षस से करोगे? वो भाई सरला, वो फैसला मैं सरला पे छोड़ दूं, भाई सरला देख ले क्या करना है। सरला तुमने देखो ना जो राक्षस राक्षस तुम अंदर से मन हो रहा है अबे भी जाके साथ तुम शादी करोगे? हाँ तो क्या हुआ, ये तो मैच्योरिटी की निशानी है। ये बिटिया मोड़ा में एक नंबर की, जहाँ मैं पहले दिन से ही पसंद नहीं है जब से ये आई है। अरे दादा अब हम आ गए, अब बन जाएगा काम। अच्छा कहाँ चल लो ऐसे? अरे क्या बताएं अम्मा, ना बता बता। जब बहनी ने इतनी छिछोरी हरकत करी, रज्जू को छेड़ दो। बहनी तुम भी खाओ ना। खाने का मन नहीं है। खाओगे नहीं तो तन भी नहीं रहेगा। चपर चपर भकोसे पड़े हो, खाए जा रहे हो, आइडिया लगाओ कुछ कैसे इस मुसीबत से निकले तुम। यार देखा मैं दिमाग काम ना कर रहा हूँ। शांत है जा, शांत है जा। नहीं सही तो कह रहा है, दिमाग चला ना और देख ना, बाकी गृहस्थी के नींबू निचोड़ गए आएंगे। एक ठीक है दिमाग में आओ आइडिया, अब हम जो सोच रहे जो हो रहा होने दो, कछु टाइम बाद ना जो बेमिलेश नहीं बहनी बहनी को फिर से तना कैसू बदनाम कर देंगे कि सारी को जो अफेयर चल रहा हो फिर से कहूँ। और बिटिया का है उम्मीद से है, उनके बाप को भी फिर तोड़ने पड़ेगा रिश्ता। ये कैसी गई नहीं बात तो सही कह रहे थे, ये आइडिया मुझे लगता है काम कर जाए। हाँ नहीं मोटी चमड़ी की है ना बेसारी, कौन माने हैं? ठीक है मैं तैयार हूँ, कम से कम बहनी ख्यालों में तो बाप बनेंगे हैं। तो जेत तैरा सच्चे कह रहा, मतलब तू और मैं हम दोनों हो सके बेस्ट फ्रेंड? बिल्कुल हो सके, बट प्रॉब्लम एक, आई लव योर एवरी टॉक्स बट दैट वन टॉक बीट मी धार धार धार, वो थोड़ी माइनस पॉइंट है, उसको हटा दे, बाकी परफेक्ट यू आर। अरे कोई बात नहीं, मतलब हाँ मतलब खट्टा मीठा रिश्ता है ना तेरा मेरा, तो टॉम एंड जेरी जैसा। ओह माय टॉम जेरी मलाइका, ठीक है ना दोस्त बन गई है। यार एक बात बता, ये तो सॉरी कैसे लेके जाएंगे ऊपर? डॉन्टिंग नीडिंग एनीथिंग, मी इज ऑलरेडी अवेक, मी लिसनिंग एवरीथिंग यू गाइस टॉकिंग, एंड आल्सो आवर फ्रेंडशिप इज लाइक नो आयरन रॉड, लाइक फुल स्टॉप एंड नॉट ब्रेकिंग, वी ऑल आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं भी हूं ना मतलब अब तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड। Yes, you are. हाँ तो चलो फिर इसी बात पे। What? अरे रुको, आज फ्रेंडशिप डे है भाई। ठीक है दोनों के लिए लाई खरीद के। आज अच्छा काम किया बहुत, सच में impressive. Impressive. Because we are best friends forever. Here is yours. नहीं नहीं मतलब दो ही लाई थी तुम दोनों के लिए खरीद के, सुनो सुनो एक मिनट रुक, एक और सरप्राइज बाकी है। फ्रेंड बन बिल्कुल ये ले एवर यूनिसुब्रा। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंड।